हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है न्यूक्लियर रिएक्टर 2020 यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है राजेश पासवान और आज हम फिर से एक तिब्बती सॉन्ग पे एक्शन देने वाले हैं। वो तिब्बत का एक सॉन्ग है जिसमें उन्होंने इंडिया को थैंक्स कहा है, और देखते हैं क्या है सॉन्ग। आई एम श्योर वो खूबसूरत तो होगा ही, पर देखते हैं वो कितना ज़्यादा खूबसूरत है। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं या मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा। हम ऐसे ही अच्छी अच्छे वीडियोस पे जो है एक्शन देते हैं, तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए अब वीडियो को हम शुरू करते हैं। क्या है वीडियो? सेंट्रल तिब्बतन एडमिनिस्ट्रेशन, धन्यवाद भारत, दलाई लामा। जिस देश से संसार को है ज्ञान का प्रकाश मिला, शिष्य तिब्बत है भारत का, करता है कोटि नमन, तेरी ही गोदी में पला है शिष्य, तेरा है चमन, तेरे भरोसे हम जिए हैं ए मेरे भारतवर्ष, रखवाला है तू सभ्यता का, बचाई है संसार की छत, हिमालय की विशालता सार कला में प्रवीण है, भारत तिब्बत का मिलन सदियों से प्राचीन है, धर्म दर्शन संस्कृति भाषा सबका एक चित्र है, ये मिलन अनमोल बेमिसाल और विचित्र है, अमर कोश काव्य से ही हमने था संवाद किया, सरस्वती चंद्र व्याकरण से वचनों का अनुवाद किया, अनुवाद किया। विक्रमशिला और नालंदा जैसे विद्या मंदिरों में संतराक्षित कमलशील और अतीश के सानिध्य में हजारों अनुवादकों की कर्म भूमि है तिब्बत, प्रणाम करते हैं भारत तुझे कोटि कोटि शतम शत। ओ साहित्य सभ्यता का मिलन करवाया जिन अनुवादकों ने, मानवता का दिग्य दर्शन करवाया जिन जिन साधकों ने, इस धरती पर जिन्होंने खींचा मानवता का चित्र है, भारत तिब्बत का मिलन बेमिसाल और भारत वसुधा को कुटुंब है कहता, और शांति का प्रतीक है शास्त्र शास्त्र में परंगा, साथ ही निर्भीक है, तिब्बत की भूमि का था जब चीन ने हरण किया, तब गुरु ने आगे बढ़कर
शिष्य को शरण दिया है सच्चा रक्षक मानवता का, जिसका हमने वर्ण किया। बच्चों की शिक्षा की सुविधाएं हैं और विद्यालय, धर्म दर्शन संस्कृति की रक्षा हेतु खोले यहाँ विश्वविद्यालय। सरल जीविका के साधन सहज ही उपलब्ध हैं। देव भूमि में बिताए कुशल 60 वर्ष हैं। कैसे धन्य कहूँ भारत, मिलते नहीं मुझे शब्द हैं। थैंक यू इंडिया। बहुत ही अच्छा सॉन्ग था, जिन्होंने भी मुझे रिकमेंड किया था, माफ करना आपका नाम तो मुझे याद नहीं आ रहा, पर आपको बहुत बहुत थैंक यू। सही में गाना बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, और सही में मैं तो मानता ही हूँ कि हमारा जो पड़ोसी है ना वो तिब्बत है, चाइना नहीं है, ठीक है। और तिब्बत को एक दिन आज़ादी ज़रूर मिलेगी। इवन कभी कभी ऐसे ही थोड़ा मेरे को ना थोड़ी ऐसी इमेजिनेशन करने की ना आदत है, मतलब कभी कभी ऐसे फ्री बैठा रहता हूँ तो अपने आप को कुछ भी इमेजिन करता हूँ। तो कभी कभी मेरा ख्याल आता है कि अगर आयरन मैन जैसा मेरे पास दिमाग होता है या वैसी कुछ टेक्नोलॉजी होती मेरे पास, तो मैं खुद अकेला ही जाके ना चाइना को पीछे करके तिब्बत को आज़ाद कर देता। आप सभी तिब्बत के लोगों से मैं एक बात कहना चाहूँगा, पेशेंस रखिए। आप अपनी जो आपकी आइडेंटिटी है वो इंडिया में पूरी तरह से सेफ है। इंडिया हमेशा से ही चाहता है और आगे भी चाहता ही रहेगा कि तिब्बत आज़ाद देश बन जाए, ठीक है। पर थोड़ा टाइम इसमें लग रहा है, आप जानते हैं सब कुछ कितना कॉम्प्लेक्स है, पर हिम्मत रखिए, ट्राई करते रहिए, अपना जो आज़ादी की लड़ाई है वो करते रहिए, एक ना एक दिन आपको आज़ादी ज़रूर मिल जाएगी। या फिर मेरे हिसाब से पता क्या, तिब्बत को आज़ादी मेरे अकॉर्डिंग शायद उससे पहले भी मिल सकती है। अभी क्या है कि चाइना थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, वो वहाँ कम्युनिस्ट पार्टी है और इंडिया में डेमोक्रेसी है, तो डेमोक्रेसी में कुछ डिसीजन लेना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि यहाँ पर लोगों को पूरी आज़ादी है। वो फिर यहाँ पर इंडिया में कुछ भी अच्छा भी डिसीजन आता है तो उसके खिलाफ़ भी कुछ ना कुछ मतलब अपोजिशन जो है या फिर कुछ अपोजिशन उस डिसीजन के अगेंस्ट आना शुरू हो जाता है। चाइना में ऐसा कुछ नहीं होता, चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी है और जो कम्युनिस्ट पार्टी जो एक बार कह देती है वो उसे अपोज करने की किसी में हिम्मत नहीं होती है क्योंकि वहाँ पर लोगों के पास इतनी फ्रीडम नहीं है। तो पर धीरे धीरे जब इंडिया जो है एक बहुत ही पावरफुल देश बन जाएगा, जो कि श्योरली वो 2040 या 45 के आसपास इंडिया काफ़ी ज़्यादा मजबूत देश होगा, तब आई थिंक हम इंडिया कुछ ऐसे स्टेप्स लेगा कि तिब्बत की आज़ादी जल्दी हो जाए। बस आप पेशेंस रखिए, मेरा कहने का मतलब है कि आप पेशेंस रखिए, आपको ज़्यादा दिन ज़रूर मिलेगी। और सॉन्ग बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, और ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे सॉन्ग मुझे रिकमेंड करते रहिएगा। अभी के लिए बस वीडियो को ख़त्म करते हैं, बाय बाय।